दोस्तों अटुआ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बोलूं कि आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग आप किससे बातें करते हैं, कोई और व्यक्ति सुन रहा है क्या, आप यकीन करेंगे? शायद आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि भाई मेरा मोबाइल काफ़ी सिक्योर है, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकता है। लेकिन इसकी रियलिटी के बारे में बताऊँगा ना, जो आप दंग रह जाएंगे और सोचेंगे भाई ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। वो कैसे? जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कि अपने फ़ोन के अंदर कई ऐसे वेबसाइट के अंदर आप विजिट करते होंगे, कई ऐसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज आप मोबाइल के अंदर यूज करते होंगे, और कोई कोई ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर गैप होता है, यानी हाइड होता है और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन हाइड होता है जो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग किसी और थर्ड पार्टी के पास जाता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ से बचना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जो मेरा कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा है, कौन से ऐसे वेबसाइट है जो मेरा मोबाइल को हैक करके मार्वल डाल करके मेरा कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर ये सब चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना होगा। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी कमाल की सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। अगर दोस्तों ये सेटिंग और ये ट्रिक्स अपने फोन के अंदर यूज करते हैं तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन ऐसे एप्लीकेशन के जरिए से मेरा कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा है, पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं तो कहता हूं इस वीडियो को जरूर देखना, 3 से 4 मिनट बनेगा लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर, मैं कर लेता हूं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों पता लगाना चाहते हैं कि आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग सारी बातें कौन सुन रहा है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को लाइक करना होगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ना इसे भी दबा दीजिएगा, यहाँ पे घंटा आएगा इसे दबा करके, और नीचे कॉमेंट करें नाइस वीडियो। उसके बाद दोस्तों ये काम कर ले तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना होगा, और जैसे क्लोज करने के बाद एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है माइक्रोफोन ब्लॉकर। तो इस ऐप का लिंक वीडियो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा और यहां पे स्टार्ट यूजिंग पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे यूजिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बीच में क्लिक करना होगा। इस बीच में क्लिक करेंगे तो ये आपको एक परमिशन लेगा, तो यहाँ पे परमिशन ले लीजिएगा। बीच में दबाने के बाद ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद 3 लकीर देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करने के यहाँ पे देख रहे हैं ऐप विथ परमिशन ऑफ द माइक्रोफोन, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो जो वेबसाइट यूज करते हैं, सारी की सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब को क्लिक करेंगे, और जैसे यूट्यूब को क्लिक करने के बाद कितना सर्विस आपको यहाँ पे दे रहा है, टोटल सर्विस 18 यहाँ पे दे रहा है, और जो भी एक्टिवेट होता है यानी कोई भी थर्ड पार्टी ये एप्लीकेशन की वजह से नज़र रखेगा और वो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको यहाँ बताएगा। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं यूट्यूब बंद हूँ, ठीक है, और जैसे यूट्यूब बंद हूँ तो यहाँ पे 0 एक्टिव बता रहा है। अगर आप यूट्यूब यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ पे आपको 1 बताएगा तो इसका मतलब है कि आप पे कोई नज़र रख रहा है। जी हाँ, आपकी सारी बातें सुन रहा है। जी हाँ, अगर नहीं सुनेगा तो यहाँ पे 0 एक्टिव रहेगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और भी एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कि ये व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टोटल सर्विस इतना दे रहा है 29, और यहाँ पे 0 एक्टिव है क्योंकि अभी व्हाट्सअप को मैंने क्लोज करके रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों चलिए और भी एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ पे, तो ये भी एप्लीकेशन अभी एक्टिव नहीं है, यानी जो जो एप्लीकेशन आपको एक्टिव दिखेगा तो समझ लीजिए कि वो एप्लीकेशन है कि आप पे नज़र रखी जा रही है, तो ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख रहे कि फ़ोन है, फ़ोन को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक्टिव बता रहा है, क्योंकि ये फ़ोन को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 एक्टिव 2 एक्टिव बता रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्टिव बता रहा है, और टोटल सर्विस यहाँ पे 5 दे रहा है। तो कुछ इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके एप्लीकेशन के ज़रिए से कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा है। तो एप्लीकेशन के ज़रिए से आप पता लगा सकते हैं मार्वल और आपके एप्लीकेशन की कौन सी एप्लीकेशन यूज़ है, कौन सी एप्लीकेशन बंद है, तो सारी की सारी एक्टिविटी आप पता लगा सकते हैं। उससे क्या है कि अपने कॉल रिकॉर्डिंग को अपने सेव कर सकते हैं, आपके सिवा कोई और ना सुन पाए। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।